संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का अभिबोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। समर्थन मांगता हूँ, पीछे तक एक पंक्ति आप तक पहुंचे तो सुनना। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू करता हूँ कविता। मेरा मन था मैं एक ऐसी कविता लिखूं जो केवल कानों को सुनाने के लिए नहीं हो, जो लोग देश को प्यार करते हैं और देश के बारे में सोचते हैं उनके दिल पर कोई कविता छप सके। मैं ऐसी कविता लिखना चाहता था और मैं करनाल के आप सभी लोगों के बीच ये एहसास जी के जाना चाहता हूं कि ये कविता मैंने कानों को सुनाने के लिए नहीं, देश को प्यार करने वाले लोगों के दिल पर छापने के लिए लिखी। ये एहसास मैं जीना चाहता हूं आपके बीच। सुनिए, यहां से कविता प्रारंभ करता हूँ। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। मैं भारत का संविधान हूँ, लेकिन तुमने अधिकारों का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आरक्षण को घटा बढ़ाकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। मैंने वो सब डिबेट पढ़ी है जो संविधान बनाते समय हुई। ये कसम खाई गई थी, कसम खाकर सबने शपथ ली थी कि ये आरक्षण की व्यवस्था 10 सालों के लिए है। 10 साल के बाद संविधान में और समाज में आरक्षण नाम का शब्द नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था 10 साल की थी, जिसको बढ़ाते बढ़ाते हम आज तक बीमारी बना चुके हैं। आरक्षण को बढ़ा घटाकर राज्य विषमता। हुजूर थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज, आप इसे निवेदन है। मैंने जिन सरकारों पे लिखा बैठ गई। क्या बात है। आरक्षण को घटा बढ़ाकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, ध्यान देना, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हस हो गई, विस्फोटों का भस हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं। पीछे तक सबके दिल तक पहुंचे तो एक एक व्यक्ति के हाथ उठे, ताली बजते देखना चाहता हूँ। आप तक मेरी बात पहुंचे तो, गंभीर बात पहुंचे तो, दो पंक्ति सुनना। मैं भारत का संविधान हूँ, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चौटन हूँ, छत विक्षत हूँ। मैं चौटन हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। थोड़े और गंभीर होना बस। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं,
ये चंद अपने श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी को सौंपता हूँ। स्वागत स्वागत। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, मेरे अरमा भी रोए हैं जब दो दो गांधी खोए हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम दिया है, खूनी नंदी ग्राम दिया है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान। बढ़िया बेटा, बढ़िया 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 बढ़िया। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से चला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है हुजी लश्कर नाम लिखा है, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल है, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से वो। मैंने एक लाइन पर कविता लिखी साहब, एक लाइन आई थी मेरे दिमाग में, मुझे सोने नहीं देती थी, प्रवीण शुक्ल मेरे साथ था कलकत्ता की यात्रा में, जब मैंने कविता लिखनी शुरू की, एक लाइन ने मुझे सोने नहीं दिया कई दिन, तब मैंने कविता लिखी, एक पंक्ति पर उस एक पंक्ति को संवारना, उस एक पंक्ति को सहेज देना, उस एक पंक्ति को संवार देना, मैं समझूंगा मैंने बहुत ठीक जगह कविता पाठ किया। मेरा गलत अर्थ करते हो, मैं भारत का संविधान हूँ, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है, जब खुद को जलते देखा है, जब खुद को जलते देखा है, झुकतारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोष कहां है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। एक शब्द से विस्फोट पैदा करने की कोशिश करता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ आपके दिल में, उस शब्द को सुनकर विस्फोट जैसी आवाज आए तो विस्फोट जैसी ताली भी बजाना, एक शब्द से विस्फोट पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया, राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भागवत अंके फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं, मेरे तन मंडाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे तन मंडाले छाले, जब संसद में नोट उछाले, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कस्में खाता है, सबने कस्मों 1952 से आज तक मुझसे कोई पूछे झूठ बोलने वालों की लिस्ट निकालो, तो जो भी आज तक एमपी बना वो सब झूठ बोलने वाले। माफ करना मुझे, मैं कानून का आदमी हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। सबसे पहला एफिडेविट एमपी देता है चुनाव जीत के कि मैंने चुनाव खर्च की सीमा में ही चुनाव लड़ा। बढ़िया। एफिडेविट देता शपथ पत्र, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कस्में खाता है, सबने कस्मों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है, जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कद घटता है, ये शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है, मैं भारत का संविधान हूँ, दागी चेहरा समर्थन करो तो इन पंक्तियों पर करना मेरा हौसला बढ़ेगा, हक मांगता हूँ अपना हौसला बढ़ाने का आपसे, आप उससे सहमत हो तो। दागी चेहरों वाली संसद, दागी चेहरों वाली संसद, चंबल घाटी दिख रही है, सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है, सांसदों की आवाजों में
हल्दी घाटी चीख रही है। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बाबा। सांसदों की आवाजों में हल्दी घाटी चीख रही है। मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। और एक गुस्सा गाना चाहता हूँ जो मेरे दिल में, और मैं देखना चाहता हूँ ये गुस्सा आपके दिल में है कि नहीं। हो सकता है मुझसे ज्यादा आपके दिल में हो। अगर ये गुस्सा आपके भी दिल में है तो मुझे बताना कि मेरे दिल में ज्यादा है कि आपके दिल में ज्यादा है। ये तो हो नहीं सकता, ये गुस्सा हमारे दिलों में नहीं हो। बस ये तय होना है कि मेरे दिल में ज्यादा है कि आपके दिल में ज्यादा है। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला है। जिस पर गुंडे ठोक रहे हैं, जिस पर गुंडे ठोक रहे हैं, ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। किसी ठाकरे आप जीते और मैं हारा, गुस्सा आपके दिल में जाता। किसी ठाकरे की धमकी का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे तन में अपमान, दिनेश रघुवंशी श्रेष्ठ गीतकार है, उनके गीत के शिल्प को प्रणाम करके दो छंद उनके गीत के शिल्प को समर्पित करता हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं जैसे सिर, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह में पड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह में पड़े हुए हैं। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। अंतिम छंद पढ़ू उससे पहले एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। पटियाला गया था साहब पिछले दिनों एक कार्यक्रम में, वहाँ फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर तरलोचन सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एक पंक्ति की एक कविता सुनाना चाहता हूं, एक लाइन की एक कविता, और आप सब दिलों पर हाथ रख के सुनना। एक क्षण को भूल जाना कि ये एक अप्रैल है, एक क्षण को अपने दिल पर हाथ रखकर सुनना कि इस पंक्ति में जो पाप गुनाह बीमारी रोग है वो आपके घरों में तो नहीं आ रही, आ रही हो तो आने से रोकना। कल का हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो मेरी पूरी कविता पाठ का एक ही संदेश है, इस रोग को अपने घर में मत आने देना, जो इसे एक लाइन में उन प्रोफेसर साहब ने सुनाया कि जब हम सब भाई छोटे छोटे थे तो हम आपस में रोज लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब हम सब भाई बड़े हो गए हैं, सब बड़े कारोबारी हो गए हैं, हम आपस में फिर रोज लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। मैं अंतिम क्षण पढ़ के कविता समाप्त करता हूँ। मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है, मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह में पड़े हुए हैं। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है, पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ, शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ।